गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेन नाइन्थ के फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ाया था उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कल हमने बताए थे, कुछ क्वेश्चंस आज बता रहे हैं। क्वेश्चंस जो है वो दिए हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, यानी एक ट्रॉली है वो एक इंक्लाइन प्लेन मतलब ढलान वाली जगह से क्या हो रही है, नीचे आ रही है। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, गोइंग डाउन मतलब नीचे जा रही है, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एसेलरेशन, इसमें जो ट्रॉली है इसमें एक एसेलरेशन दिया है, वो कितना है 2 cm/s² का, ठीक है। इसमें जो ट्रॉली में एसेलरेशन है वो 2 cm/s² का है, तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी यहाँ से अगर इसको छोड़ दिया जाए, यहाँ से रेस्ट से इसको छोड़ा जाए तो 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। यानी कि अभी ट्रॉली कहाँ है, इस इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में है, आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू होने पर, तो उस समय यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनली 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी होगी कितनी, तो यानी हमको निकालना है भी, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का यूनिट दिया है वो दिया है 2 cm/s², तो उसको पहले स्टैंडर्ड यूनिट, कभी भी हम वैल्यू जो होती है वो MKS सिस्टम में रखते हैं, MKS यानी लेंथ को हमेशा मीटर में रखा जाता है, वेट को kg में और टाइम को सेकेंड में, ठीक है। तो इसको भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0.02 अब m/s², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिए, u हो गया, भी निकालना है। तो पहला इक्वेशन जो है वो क्या है, v = u + at। तो इसके पहले ही बताए थे कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है यानी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उस समय प्लस लगेगा, अगर वो घट रहा है वेलोसिटी तो यहाँ पे फार्मूले में माइनस कर लेंगे। अब जो है यू की वैल्यू क्या है, 0 प्लस, क्वेश्चन में एक चीज़ और चाहिए हमको, टाइम, देखते हैं टाइम को इसमें क्या दिया है, तो दिया है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड लेफ्ट आफ्टर, यानी टाइम आपका कितना हो गया 3 सेकेंड, तो इस सेकेंड तो स्टैंडर्ड में है ही, उसको रख लिए। तो v = u + at, a की वैल्यू क्या है 0.02 इंटू टाइम कितना है 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया 0 + 0.06, ठीक है, ऐड करेंगे क्या आएगा 0.06, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है m/s, ठीक है। यानी कि जो ट्रॉली है अगर ऊपर से केवल छोड़ दिया जाए, अगर उसमें एक्सेलरेशन इतना है तो 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है जैसे दिया है कि एन एथलीट, एथलीट मतलब धावक जो दौड़ते हैं, एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, मान लीजिए कि जो है एक सर्कुलर ट्रैक है, ट्रैक मतलब पथ या रास्ता, यानी कि जो दौड़ने के लिए ट्रैक बनाया गया है वो सर्कल की फॉर्म का है, ठीक है। तो एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर है जिस ट्रैक पर वो दौड़ रहा है उसका डायमीटर कितना है 200 मीटर, ठीक है। तो इसको वो यहाँ से चलता है और एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लगता है 40 सेकेंड, एक चक्कर का समय जो है टाइम फॉर 1 टर्न कितना है 40 सेकेंड, ठीक है। अच्छा आगे दिया है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर, मतलब कि कितनी दूरी चलेगा, एंड द डिस्प्लेसमेंट और कितना विस्थापन होगा, यानी कितनी दूरी और कितना विस्थापन तय करेगा एट द एंड ऑफ 2 min 20 seconds, ठीक है, यानी 2 min 20 seconds बाद वो कितनी दूरी को तय कर लेगा और कितना जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक।
पहले देख लिया जाए कि इतने समय में वो कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा। टाइम जो दिया है वो आपका है 2 मिनट, 2 मिनट 20 सेकेंड। कन्वर्ज कर लेंगे 120 + 20 यानी कि 140 सेकेंड। ठीक है, एक चक्कर का समय कितना है 40 सेकेंड, तो कितने चक्कर कंप्लीट होंगे 140 में कंप्लीट करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न निकाल लेंगे 140, ये टोटल टाइम है, और एक चक्कर का 40 सेकेंड यानी 3 complete 1/2 यानी 3 complete, 3 चक्कर पूरा करेगा और आधा चक्कर करेगा। यहाँ से अगर चलता है तो पूरा 3 चक्कर करेगा, फिर आधा चक्कर का मतलब यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या कवर किया जाता है, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ निकालना हो तो चूंकि ये सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस ही उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। ठीक है, यानी 2 × 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है, इंटू रेडियस क्वेश्चन में नहीं दिया है, डायमीटर दिया है 200 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 100, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है तो रेडियस हो गया 100। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 628 मीटर, यानी वो एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा, यानी पाथ पर जो उसकी टोटल लेंथ होगी, पाथ लेंथ एक चक्कर में 628 मीटर होगी, लेकिन वो कितने चक्कर किया है, 3.5, यानी टोटल जो डिस्टेंस वो कवर करेगा थ्री एंड हाफ, इसको जो है आप जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें मिक्स फ्रैक्शन से, 7/2 × 628। ठीक है, यानी 7 × 314, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2198, यानी 2198 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और निकालना है क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डिफिनेशन बताए थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी यहाँ से चलना शुरू किया था, 3 चक्कर तो पूरा करेगा तो यहीं आ जाएगा, जो आधा चक्कर है वो उसको यहाँ लाएगा, यानी यहाँ से शुरू किया था और फाइनली यहाँ है, यानी सीधे देखा जाए तो ये इसका क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। ठीक है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा डायमीटर के इक्वल होगा, और वो कितना है डिस्प्लेसमेंट, यानी क्वेश्चन में पहले ही डायमीटर क्वेश्चन का दिया है 200 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस उसने 2198 मीटर जो है कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर होगा। तो इस तरह से और भी जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग लगाइएगा, कोई समस्या होगी तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।